हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय मां समले। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में इजी अमृता शुक्ला पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स पसंद कर रहे हो, साड़ी के ऊपर हो, चाहे शॉपिंग के ऊपर में हो, चाहे फैमिली फंक्शन हो। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक पॉजिटिविटी मिल रही है, अच्छा लग रहा है कि मुझे करना चाहिए। एंड आप सब मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आप ओडिया हो कि बंगाली हो, क्या हो। तो मैं बता दूं कि मैं ओडिया नहीं हूँ, मैं शुक्ला मतलब यूपी को बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी शादी जो हुई है वो बंगाली फैमिली में हुई है। ये मिक्स कल्चर का एक ट्रेडिशन मैं जो मेंटेन कर रही हूँ। और रही बात काम का, तो मैं काम कर रही थी, अभी भी कर रही थी, जस्ट सीरियल मैंने ज्वाइन किया था एक, लेकिन मुझे कोविड हो गया मार्च में, तो उसके बाद लॉकडाउन आ गए, तो मैंने वो सीरियल, मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा था तो मैंने वो सीरियल मजबूरी में मेरे हेल्थ इश्यू के लिए मैंने छोड़ा। लेकिन मैं वेट कर रही हूँ, या फिर लगभग एक फाइनल हो सकता है मेरा, मुझे लग रहा है सीरियल, या सीरियल ही मैं करना चाहूंगी, तो वो मैं काम फिर से शुरू करूंगी। और आप सबका अगर ब्लेसिंग्स रहेगा, प्यार रहेगा, तो डेफिनेटली मैं फिर से काम शुरू करूंगी। और मैं रहती कहाँ पे हूँ? मैं रहती हूँ वेस्टर्न ओडिशा में, सुंदरगढ़ में मेरी शादी हुई है। हम लोग बिलोंग करते हैं, मतलब टोटल हम लोग का जो, मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे मम्मी पापा जो है, वो हम लोग वेस्टर्न ओडिशा में ही रहते हैं। मेरे नानी का घर जो है वो छत्तीसगढ़ में है, पापा नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट राजखरियार में रहते हैं, मतलब मेरा मैका जो है, मैका वो वहां पे है, और सुंदरगढ़ मेरा ससुराल है, और कटक भुवनेश्वर में जाके मैं अपना काम करती हूँ, फिर जाना आना करती रहती हूँ, बस बड़ी स्ट्रगलिंग वाली लाइफ है। तो चलिए, खैर, वो तो हर किसी को करना ही पड़ता है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो ब्लाउज के ऊपर में है। जी हाँ, मेरे पास जो नए नए कलेक्शन है, अच्छे कलेक्शन है, प्यारे प्यारे कलेक्शन है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मेरे ब्लाउज कलेक्शन। तो ज्यादा देरी, लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये जो मैं आपको ब्लाउज के कलेक्शन दिखा रही हूँ, जब मैं कलकत्ता गई थी, मतलब तमलोक गई थी, वेस्ट बंगाल गई थी, तब मैंने वहां से खरीदा था। और कॉटन के इतने प्यारे प्यारे, बहुत सस्ते भी, मतलब मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने ढेर सारे उठा लिए थे। तो उसके बीच में से मैंने कुछ आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ सब तो दिखा नहीं सकते, टाइम नहीं होगा। तो सबसे पहले जो मुझे अच्छा लगा था, वैसे मेरे मम्मी के लिए और मेरी मदर इन लॉ के लिए भी मैंने किया था, तो वो सब उनके पास है। तो फिलहाल जो मैंने अपने लिए खरीदा मैं वो दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये कॉटन का है, पीछे में ऐसे आर्ट किया गया। ये ना सिर्फ 380 का कुछ ऐसे ही था, तो मुझे बहुत कम लगा, क्योंकि ऐसे आर्ट नॉर्मली करने में ही कितना पैसा, मतलब ज्यादा हो जाता है अगर हम बुटीक में करेंगे तो। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, स्वस्तिक का चित्र जैसा ही है, और ये सब तो वहां पे बुटी किए गया है बीच में, और ये सब तो बहुत ही चल रहा है आजकल, अच्छा लगता है। तो मुझे लगा रेड या फिर कुछ कॉम्बिनेशन का, ब्लैक कॉम्बिनेशन में भी, मतलब हम पहन सकते हैं। ये पीछे का है और फ्रंट में बस ऐसे ही है, तो ये एक मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा ये। और सेकंड जो है ये कलर मैंने ले लिया, पता नहीं, मैंने कोई साड़ी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे डिजाइन बहुत अच्छे लगा। ये पीछे का है, पीछे में ही नॉर्मली, क्योंकि ये सब कॉटन के हैं, आप देख सकते हैं, बनारसी के भी थे, सिल्क के थे, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी के कारण मैंने सोचा कि कॉटन में ऐसे मिल रहा है, तो मतलब ये काफी अच्छी बात है ना, मतलब मिलना। थोड़ा सा लूज मैंने लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप कपड़ा धोगे तो शायद सिंक कर सकता है। तो ये देख सकते हैं इसका जो मटेरियल है, शाइन करेगा, अच्छा लगेगा ये। आई थिंक हम व्हाइट कलर के ऊपर भी कैरी कर सकते हैं साड़ी। मैंने ऐसा सोचा नहीं, मैंने बस ब्लाउज खरीद लिया, फिर जब आप पहनोगे, जब चूज करोगे, तब ऑटोमेटिक एक एक आते जाता है, तो पता चलते जाता है कि क्या अच्छा लगेगा। ओके जी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पता है, लहंगा करके भी, स्कर्ट करके भी ऊपर में ही पहन सकते हैं हम। ये देखिए फ्रंट की डिजाइन है, और ये पीछे का है, मुझे बहुत अच्छा, मुझे ये बहुत पसंद आया था। और मैंने, अच्छा, पहले मैं तमलोक यानी कि वेस्ट बंगाल का जो खरीदा था, वहां से, वहां का दिखा देती हूँ। वो सारे ब्लॉग्स भी हैं मेरे, जो मैंने जहां पे गई थी, मैं कैसे क्या घूमी थी, वो सब भी है ब्लॉग, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इस बार आप लोग देख सकते हो। और ये इक्कत प्रिंट तो आपको पता है चल ही रही है, और ये जो ब्लाउज का ये डिजाइन था, अब ये ना इतनी कम प्राइस में मिल रही थी ना, 300-200 में भी मिल रही थी ना, मेरा दिल, मैं खरीदते बिल का तो मैंने परवाह ही नहीं किया। फिर बाद में जब बिल वाला, तब अभिनव ने जब ऐसा करके मुझे देखा, मैंने कहा मिलता नहीं है वहां पे, बुटीक जाना पड़ता है। फिर मैंने उनको समझाया, और फिर जाके, अच्छा ठीक है, ओके। ये देखिए, ये अच्छा लग रहा है ना, और ये तो किसी भी कलर में हम पहन सकते हैं। देखिए ये फ्रंट है, और ये
अच्छा डिजाइन है, मुझे अच्छा लग रहा है, पहनने के बाद पता चले। लेकिन अब क्या होता है कि ब्लाउज खरीद लो, फिर उसके बाद में ना उसके लिए साड़ी खरीदती हूँ मैं कि क्या कलर का क्या पहनूंगी है खैर मेरे पास में, और दो ठो में दिखाती हूँ। और बाकी सब प्लेन प्लेन एकदम सिंपल सिंपल है, जो कि माँ के पास में है तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये तो मुझे लग रहा है ब्लैक स्कर्ट भी नीचे पहन सकते हैं हम। ये फ्रंट का है कॉम्बिनेशन, ये आप लोग देख रहे हो आजकल इस टाइप के प्रिंट में स्कर्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं। और ये पीछे का डिजाइन, पीछे का डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है। और जो इसके जो हुक्स हैं ये है, ये सब एक चीज है कि ये पीछे नहीं है, ये फ्रंट में है, क्योंकि ये मतलब फ्री साइज का रहता है ना, तो बहुत सारे रहते हैं, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है, ये आप पहन सकते हो कहीं पे भी, ये रेडीमेड मिल रहा है आप इतने कम प्राइस में तो। और ये देखिए मैंने ये कलर भी लिया, मुझे अच्छा लगा। ये आजकल ऐसे येलो येलो में मुझे लगा इसमें प्राइस लिखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ प्राइस लिखा नहीं है इसमें। ये कलर मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगा, मैंने थोड़ा सा ले लिया, हालांकि मेरे पास इस टाइप की साड़ी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और पीछे का डिजाइन आप देखो गोल है, और ये देखिए इसमें बटन्स भी हैं। आजकल तो बुटीक में कुछ भी डिजाइन थोड़ा सा भी हो ना तो इतना ज्यादा प्राइस कर देते हैं कि मत पूछिए, तो मुझे अच्छा लगा। ओके जी, लास्ट ये मैं दिखा रही हूँ क्योंकि एक कट प्रिंट का है। इस टाइप का और एक मैंने पहना था ब्लाउज, और वो मैंने इंस्टा में भी पोस्ट किया था रील्स में, ब्लाउज वगैरह जो होता है आप देख सकते हो, मेरे इंस्टा को फॉलो करना इजी, अमृता शुक्ला के नाम से। ओके चलिए, ये प्लेन है एक कट का, और ये प्लेन एकदम सिंपल, ये सिंपल ही, प्राइस भी शायद कम ही था, प्राइस तो नहीं भी लिखा है अभी, लेकिन मुझे पता है मैंने बहुत ये बॉर्डर में बस ऐसे दिया गया है, ये कॉम्बिनेशन आप पहन सकते हो। और बहुत सारे जो बोलते हैं ना कि मतलब मैंने खरीदा था ना तो उस हिसाब से कम ही था। चलिए ये हो गया। और अभी ना दोठो में रायपुर जब गई थी तब मैंने दोठो खरीदा था, पता नहीं वो बस ऐसे ही मैंने ब्लाउज खरीद लिया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये मिरर वाला जो है ना, मुझे आजकल मिरर वाला बीच में मुझे बहुत मन कर रहा था, ड्रेस भी मैं ढूंढ रही थी लेकिन मिला नहीं, सलवार जैसे बोलते हैं ना वहां पे रायपुर में, तो ये मैंने अभी तक नहीं पहना है, मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ किस साड़ी पे पहनूंगी, इसके लिए एक साड़ी खरीद लिया जाएगा। चलिए पीछे का डिजाइन देखिए मिरर वर्क में, और इसका फिनिशिंग काफी अच्छा है। रायपुर में मैंने गोल बाजार से ही खरीदा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका प्राइस भी ना वही 500 करीब ही था। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, फिनिशिंग अच्छा रहता है, मिल जाता है तो उसमें, और ये पैडेड है तो ये वाला तो और अच्छा है यार, जरूरत ही नहीं है। हाथ हाँ हैंड लगाने के लिए भी इसमें कपड़ा दिया हुआ है, लेकिन मैं लगाऊंगी नहीं, मैंने सोचा है। और एक मैंने खरीदा, ये कलर ना मिलती नहीं है, सिल्वर कलर की ना मिलती नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा है ये है। और देख लो जी भाई पीछे का डिजाइन कुछ ऐसा है। मैं यहाँ पे सुंदरगढ़ में एक बुटीक में देती हूँ, लेकिन हर ब्लाउज को बुटीक में ऐसा दूं ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे पास में एक टेलर है, मतलब बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती है, कम प्राइस में वैरायटी डिजाइन नहीं करती, लेकिन जो भी दोगे ना वो कर देती है, और बहुत अच्छा करती है, कोशिश करती है, फिनिशिंग भी ठीक करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उनके पास नॉर्मली दे देती हूँ। और बहुत अच्छे कपड़े जो रहते हैं, जो मुझे मतलब अच्छे कॉस्टली रहते हैं, तो मैं सिर्फ वही बुटीक में देती हूँ। अब पैसा भी तो बहुत ज्यादा लगता है ना, थोड़ा सोच के बजट में चलना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों के ना मतलब साड़ियों के पहनते कम है लेकिन बनाते बहुत ज्यादा है ब्लाउज। ओके जी, ये मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था कि ब्लैक कलर का मेरे पास नहीं है इस टाइप में, तो मुझे ये तो नॉर्मल है, आप लोग के पास भी होगा, बहुत लोग के पास, ये कुछ ऐसा खास नहीं है, खास मुझे वो सब बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये और भी मेरे पास में डिजाइन है, ब्लाउजेस हैं, तो ये मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। और मैंने और एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारा है, मैंने बिछा के पूरा बिछा दिया है। ये जो ना ये ब्लाउज, ये कपड़ा मैंने खरीदा था कलकत्ता में, कलकत्ता में कपड़ा खरीदा था, कलकत्ता में ये दो साल के नीचे आई थिंक हम लोगों ने बड़ो बाजार से किया था, कि याद नहीं आ रहा है मुझे सही से। अभिनव के साथ में गई थी, उनके एक फ्रेंड सोना है, हम लोग मिलके गए थे, बड़ो बाजार तो नहीं था, याद नहीं आ रहा है नाम। तो ये कपड़ा मैंने खरीदा था मीटर में और फिर बनाया था, लेकिन कपड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ये देखिए ये तो मिलते हैं, जैसे ढोल प्रिंट ये प्रिंट के मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये हम किसी में भी पहन सकते हैं। और ये एक ब्लाउज है जो मैं दिखा देती हूँ, ये मैंने बुटीक से बनाया था, लेकिन इसकी डिजाइन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बंद नहीं है, एकदम प्लेन सिंपल है, थोड़ा सा गला जो है बड़ा है,
अब जिसको बड़ा गला नहीं पसंद वो नहीं पहनेगा। इस टाइप का इसका शेप आएगा फ्रंट है। ये ब्लू साड़ी के लिए मेरी बेटी के जब पहला यार बर्थडे हम लोग किए थे तब ये हमने किया था। और बस इतना ही मैं आप सबको दिखाऊंगी और ज्यादा नहीं दिखाऊंगी। तो प्लीज ब्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरे कलेक्शन कुछ कलेक्शंस ब्लाउज के कैसे लगे और ढेर सारा प्यार दीजिएगा जैसे आप लोग दे रहे हैं। और चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझ पर ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। बाय, टेक केयर। सो फ्रेंड्स, ये कुछ प्यारे प्यारे कलेक्शन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे लग रहा है आप लोग मुझे बताइएगा कि इस मिरर वाले ब्लाउज के साथ में मैं कौन सा साड़ी पहनूंगी, प्लीज़ बताइएगा। और जैसे कि मुझे पता है कि बहुत सारे ब्लाउजेस के डिज़ाइन आजकल मिलते हैं लेकिन रेडीमेड मिल रहे थे कॉटन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो क्या होता है इससे कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं। और ये वाला जो ब्लाउज़ है ये मैंने बुटीक से बनाया है, मुझे अच्छा लगा, नया है, मैंने अभी तक नहीं पहना है। तो इसका आगे का और पीछे का डिज़ाइन और हैंड जो है इसमें ना हम कोई भी मतलब साड़ी पहन सकते हैं। प्रिंट वाला बस ऐसे ही मैंने बनाया था और डिज़ाइंस बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को यूं ही देखते रहिए। तब तक बाय बाय।